गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग हेयर कट, जो काटने में तो बिल्कुल आसान है, लेकिन देखने जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल हेयर कट का लुक इतना अच्छा कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने बालों को भिंगा दिया, अब अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेक्शन निकालूंगी। जब भी हम किसी क्लाइंट का हेयर कट करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है कि उनसे पूछना कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन से काम कर देते हैं, बाद में उन्हें पसंद नहीं आता है। पूछने के बाद हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर ये वाला कट अच्छा लगेगा या दूसरा। बालों में सेक्शन निकाल के क्लिप से सेपरेट कर लेती हूँ, इससे समझने में और हेयर कट करने में दोनों में आसानी होती है। अच्छे से कॉम करके वन लेंथ करूँगी और यही हमारा होगा गाइडलाइन, इसी को फॉलो करते हुए पूरा हेयर कट करना है। जब भी मैं हेयर कट करती हूँ दो चार बातों का हमेशा ध्यान रखती हूँ। बाल अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, अगर थोड़ी देर पहले धोया है, सूख गए हैं बाल, तो उसको अच्छे से गीला कर लेती हूँ। सेक्शन निकाल के क्लिप से सेपरेट करती हूँ बालों को, ताकि काटने के समय में बार बार मेरे हाथों के ऊपर आए ना और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत ना हो। कटिंग करने के टाइम में बार बार कॉम करती हूँ और क्रॉस चेक ज़रूर करती हूँ। आज का पूरा हेयर कट वर्टिकल सेक्शन में होगा। एक क्लिप मैंने खोला, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपके हाथों में एक बार में ही आ रहा है तो एक बार में भी कटिंग कर सकते हैं। अच्छे से कॉम्ब किया एंड आई एम कटिंग इट। नीचे से गाइडलाइन लेते हुए ऊपर जो बचे हुए बाल थे उनको लिया, अच्छे से कॉम्ब किया इस तरह से और यहीं पे काट देना है। दूसरा सेक्शन खोला, पहले के जैसे ही दो पार्ट में बालों को डिवाइड कर दूंगी और नीचे से गाइडलाइन लेते हुए हेयर कट करूंगी। डिफरेंट टाइप के हेयर कट करने का मुझे बहुत शौक है और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हेयर कट की वीडियो डालो, बट मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, मेरा कोई सैलून नहीं है, मैं घर से ही काम करती हूँ और घर में भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं लोगों को बुलाऊँ बाहर से। कुछ लोग जो मेरे नोन हैं वही आ जाते हैं, तो उनके ऊपर मैं करके दिखाती हूँ। सेक्शन क्लिप से सेपरेट किया था, उसको खोल रही हूँ अगेन, स्मॉल सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड करके। आप एक बार में भी कट कर सकते हैं, अगर आपके हाथों में आ जाए या आपको जल्दबाजी हो। इतना धीरे धीरे हम क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकते हैं, अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। ये सबसे सिंपल तरीका हेयर कट करने का कि आप सेक्शन निकाल के सेपरेट कर लेते हैं पहले, फिर कटिंग करने के टाइम में भी उसमें से स्मॉल सेक्शन निकाल के करते हैं, जिससे कि फिनिशिंग और अच्छी आती है, हेयर कट खराब होने का कोई चांस नहीं होता है। कहीं अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रह गया या एक्स्ट्रा हेयर रह जाते हैं तो उसको हम बार बार रीचेक करते रहते हैं और फिर कॉम्ब करते हैं अच्छे से और बालों को निकाल देते हैं। क्योंकि हम हाथ से काम करते हैं, किसी मशीन से नहीं करते हैं, तो छोटा बड़ा रह सकता है, एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब मैं फ्रंट वाले हेयर को कट करने जा रही हूँ। दोनों साइड से मैंने थोड़े थोड़े से बाल निकाले और गाइडलाइन पीछे के बालों से ही हम लेंगे। गाइडलाइन लेने के बाद सभी बालों को अच्छे से कॉम्ब किया और उन्हें पीछे लाके कट कर रही हूँ, आगे वाले बालों को। अगला सेक्शन लिया, नीचे से थोड़ा सा गाइडलाइन लिया, कॉम्ब किया अच्छे से, होल्ड किया इसको इस तरह से और कट इट। Thank you.
फ्रंट वाले सेक्शन को बैक में लाते हुए कट करना है। दूसरे साइड पे आ गई हूँ, इसी तरह से कॉम्ब करते हुए गाइडलाइन आप देख सकते हैं, यू कैन सी द गाइडलाइन। इसी सेक्शन के साथ सारे बाल कट चुके हैं, अब मुझे सिर्फ नीचे से थोड़ा सा शेप देना है। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से और लेयरिंग डाल सकते हैं। इनके बाल थोड़े से वेवी टेक्सचर के हैं तो ये हेयर कट काफ़ी सूट करेगा। फ्रंट में आके मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आगे वाले बालों को और छोटा करूँ या इतने पे रहने दूँ, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है। कई लोगों को बार बार फेस के ऊपर बाल आना अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने भी बोला कि यही ठीक है, इससे छोटा नहीं चाहिए। यहाँ पे इनके बालों में यू शेप दे रही हूँ, क्योंकि इनके बाल भी बहुत थिक नहीं है तो थोड़ा सा हैवी लुक आएगा इससे। ग्लो ड्राई करने के बाद और अच्छा लुक देखने को मिलता आप लोगों को, लेकिन इन्हें घर जाने की जल्दी थी। वैसे भी मैं वीडियो बनाने लगी तो ज़्यादा टाइम लग गया। जो कटिंग आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं, वीडियो बनाने लगे तो एक घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि ट्राईपॉड इधर उधर रखना होता है, लाइटें भी देखनी होती है और मैं ये सारा कुछ खुद करती हूँ, इसलिए कहीं कहीं पर रह भी जाता है, मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। तो यही था आज का हेयर कट, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, ताकि उन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँचे। अगर उन्हें मुझसे थोड़ा सा भी एक दिन का भर भी कुछ सीखने को मिला तो इट्स माई प्लेजर। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।